प्रियंका से थी इस अभिनेता के अफेयर की खबरें। फिल्मों से दूर अब जी रहा गुमनामी की जिंदगी। अभिनेता हरमन बावेजा ने जब बॉलीवुड में एंट्री की तो उस वक्त माना जा रहा था कि आने वाले समय में वो सुपरस्टार्स को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हरमन जल्द ही इंडस्ट्री से गायब हो गए। फिल्म निर्देशक हैरी बावेजा और निर्माता तमी बावेजा के बेटे हरमन 13 नवंबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। हरमन बावेजा के पिता हैरी बावेजा ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। स्टार किड होने के बावजूद हरमन का करियर चल नहीं पाया। साल 2008 में हरमन ने फिल्म लव स्टोरी 2050 से डेब्यू किया था। साल 2009 में हैरी बावेजा ने अपने बेटे के लिए रोमांटिक फिल्म व्हाट्स योर राशि बनाई। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित हुईं। दोनों ही फिल्मों में हरमन के अपोजिट प्रियंका चोपड़ा थी। फिल्म करने के दौरान दोनों की नजदीकियां भी बढ़ती गईं और लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया। हरमन ने अपने करियर में केवल 5 ही फिल्में की और सभी बॉक्स ऑफिस पर ऑन द मूव गिरी। हरमन बावेजा की एक्टिंग स्किल को भले ही ना सराहा गया हो, लेकिन उनकी डांसिंग स्टाइल को बेहद पसंद किया गया। उस वक्त तक ऋतिक रोशन अपने डांस से सबको दीवाना बना चुके थे। हरमन का लुक्स भी ऋतिक रोशन जैसा ही था, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि वो ऋतिक रोशन समेत कई बड़े स्टार्स को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन एक के बाद एक फ्लॉप के बाद उनका करियर ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाया। लंबे समय बाद 2017 में हरमन बावेजा एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट हुए, जिसमें उनका लुक बिल्कुल बदला हुआ था। हरमन का वजन काफी बढ़ गया है और वो अपनी उम्र से काफी बड़े दिख रहे हैं। हरमन की ये तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं। यूजर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही हरमन है जिनकी एक वक्त पर ऋतिक रोशन से तुलना हो रही थी। पिछले दिनों निर्माता रमेश तोरानी ने दिवाली पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें हरमन बावेजा को देखा गया था।